मन भंवरा है, मन बेलगाम घोड़ा है, और उस घोड़े की लगाम हमारे हाथ में होती है। हम चाहे तो अपने मन की लगाम अपने काबू में करके उससे जो चाहे वो काम करवा सकते हैं, और अगर हम चाहे तो वह लगाम अपने हाथ से छोड़कर अपने मन को यूं ही बेवजह भटकने के लिए छोड़ सकते हैं। सारी बातें हम पर निर्भर करती है। जो भी इच्छा हमारे मन में उठती है उनके पीछे कहीं ना कहीं हम स्वयं होते हैं। कभी-कभी हम इस बात को समझ लेते हैं और कभी-कभार हम इस बात को कभी समझ ही नहीं पाते। अगर हम किसी तरकीब से अपने मन को खाली करना सीख जाए तो हम अपने मन के अंदर कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपने मन की बकबक को शांत कर सकते हैं। जिन विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है, असलियत में वही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है। कोई भी बात या कोई भी वस्तु प्रत्यक्ष रूप में हमें बाद में दुख देती है, लेकिन उससे पहले हम अपने विचारों में खुद दुख भोग रहे होते हैं, और उन दुखों का कारण सिर्फ हमारे विचार होते हैं। इसलिए अगर हमें अपने मन की बकबक को शांत करवाना है तो हम अपने आप से नहीं कर सकते। ना ही कोई ज्ञान या कोई उपदेश हमारे मन की बकबक को शांत कर सकता है, लेकिन हमारा मन एक कहानी के माध्यम से यह जरूर समझ सकता है कि अपने मन की बकबक किस तरह शांत की जाए। इसलिए यह कहानी आखिर तक सुनने के बाद आपके मन की बकबक एकदम शांत हो जाएगी। किसी नगरी में एक नौजवान युवक रहा करता था। उसका नाम अंकित था। उसे एक समस्या थी और उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हर समय भटकते रहता था। उसके मन में हर समय कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वह सोचता कुछ और था लेकिन उससे हो कुछ और अलग ही जाता था। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचता था कि काश मैंने यह कदम उठा लिया होता तो आज मेरा जीवन कुछ और ही होता, या फिर वो अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। अंकित हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता। वह अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। अंकित चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू का विचार ना आए, लेकिन उसके चाहने से कुछ नहीं होता था क्योंकि उसके मन में विचारों का सैलाब हमेशा चलता रहता था। एक दिन अपने मन के विचारों से परेशान होकर वह एक जंगल में एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचकर अंकित अपने जीवन की एक घटना बताता है, और वो उन्हें यह भी बताता है कि उस घटना ने उसके दिमाग में और उसके मन पर किस प्रकार प्रभाव छोड़ा। अंकित ने कहना शुरू किया कि बचपन में मैं बहुत ही निर्भीक बच्चा हुआ करता था। मुझे किसी का कोई डर नहीं था। कोई भी काम मैं बड़ी आसानी के साथ कर लेता था। ना मैं उसके परिणाम के बारे में सोचता था और ना यह सोचता था कि यह काम अगर मैं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन कुछ सालों पहले आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए मैंने कुछ धन घर वालों से लेकर एक नया काम शुरू करने का सोचा। उस काम के बारे में मुझे सभी ने राय दी कि इस काम में ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा, तुम्हें नुकसान हो सकता है। मेरे घर वालों ने भी मुझे समझाया, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ था और उस काम को करना चाहता था, और जब मैंने जिद की तो घर वालों ने कुछ धन मुझे दे दिया। उस दिन से मैंने उस काम की शुरुआत की, लेकिन दुर्भाग्यवश उस काम में मुझे हानि का सामना करना पड़ा। मुझे बहुत नुकसान हुआ। मेरा सारा धन खत्म हो गया था। मैं पहले से ही परेशान था और इस पर मेरे घर वालों ने मुझे कहना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया कि हमने तुम्हें पहले ही मना किया था, लेकिन तुमने हमारी कोई बात नहीं मानी। अब अपने कर्मों को अपने आप भुगतो। यह घटना मेरे जीवन की एक ऐसी घटना बन गई जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। अब जो भी काम मैं करने की सोचता हूँ तो मेरे मन में एक डर समा जाता है। या तो मैं यह सोचता हूँ कि लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं नाकामयाब हो गया
तो मेरे घर वाले मुझे डांटेंगे तो नहीं, या फिर भविष्य के बारे में सोचता हूँ कि अगर यह काम नाकामयाब रहा तो फिर मैं आगे क्या करूँगा, कहीं यह धन भी खत्म हो गया और मेरा नुकसान हो गया तो उस हानि की भरपाई मैं कैसे कर पाऊंगा। और ऐसे ही विचारों की वजह से मैं कोई भी काम शुरू नहीं कर पाता और मेरे मन में इन्हीं विचारों की बकबक चलती रहती है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं इन विचारों से छुटकारा चाहता हूँ। मैं अपने मन की बकबक को शांत करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह नकारात्मक विचार है, लेकिन फिर भी इनसे छुटकारा हासिल नहीं हो पाता। हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं और यह कब होती है, क्यों होती है, मुझे पता ही नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे मन के विचार मुझे कहाँ बाहर ले जाते हैं, इसका मुझे एहसास ही नहीं होता है। और जब एहसास होता है तब तक बहुत वक्त बीत चुका होता है और फिर से यही प्रक्रिया चलती रहती है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूँ तभी मेरे मन में विचार आए। यह बातें सुनकर बोध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए अंकित से कहा कि किसी भी समस्या का समाधान तभी निकाला जा सकता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुँच जाते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। इसके बाद बोध भिक्षु ने कहा कि जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उसको कभी भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत जाना है? यह सुनकर अंकित ने कहा, भंते, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना ही इसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, मेरा मन उतना ही रहस्यमय हो जाता है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उस वक्त अंकित को एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आओ। फिर वो युवक वहाँ से गया और उस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर उस बौद्ध भिक्षु के पास लेकर आ गया। बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त मुस्कुराते हुए कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। उस युवक ने घड़े में और पत्थर डालने शुरू कर दिए। चूंकि घड़ा पहले से भरा हुआ था तो एक दो पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने अंकित को सचेत करते हुए कहा कि रुको, जरा ध्यान से देखो, अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि ये एक घड़ा है और इसमें जो आ सकता था वो आ चुका है। अब इसमें और पत्थर नहीं आ पाएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थर को निकालना होगा। यह सुनकर उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से खाली कर देना होगा। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा कि पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को कहा कि हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े को तो तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। यह सुनकर उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही है। मन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या आवश्यकता है? इस पर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि इस घड़े से एक एक पत्थर को बाहर निकालो। उस युवक ने वैसा ही किया। वह घड़े में से एक एक करके सारे पत्थरों को बाहर निकालता रहा और ऐसा करते करते आखिरकार घड़ा खाली हो गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, देखा तुमने, जब एक एक करके तुमने पत्थरों को बाहर निकाला तो यह घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे भी पत्थर डाल सकते हो, या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो, आधा भर सकते हो या फिर पूरा भी भर सकते हो। यह सुनकर वो युवक कहता है कि गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मुझे अपने मन को खाली करना है। यह तो एक पत्थर है जिसे आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मन को खाली कैसे करूँ? इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। यह सुनकर उस युवक ने कहा कि भंते, यह कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा
तो एक ही पत्थर निकलेगा ना, तो दो कैसे निकलेंगे। इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो तुम ऐसा करो कि इस गड़े में दो पत्थर डालो और चार निकालो। इस पर अंकित ने कहा, महाराज ऐसा भी कैसे हो सकता है, यह कोई चमत्कारी गड़ा तो नहीं है ना, कि एक डालो तो दो निकल जाएंगे, दो डालो तो चार निकल जाएंगे। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यह गड़ा तो चमत्कारी नहीं है, तुम्हारा मन तो चमत्कारी है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ दो विचार आते हैं, और जब तुम दो विचारों को निकालने की कोशिश करते हो तो उसके साथ चार विचार आते हैं, और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, और फिर तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो। यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भरा जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरेगा, वह अपने में से कुछ खाली नहीं कर सकता। यह इस मन की माया है कि सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। इस पर युवक ने कहा, बंते मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूँगा, क्या इस मन के माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस मिट्टी के गड़े में आधे पत्थर भर दो। उस युवक ने ऐसा ही किया। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और इस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो, मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। अंकित ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को बौद्ध भिक्षु के सामने तराशने लगा। पत्थर को तराशते वक्त उसे लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर गड़े से निकाला, लेकिन उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वो तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया, उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते उस युवक ने सभी पत्थरों को बाहर निकाल दिया। उस युवक को ऐसा करते हुए बौद्ध भिक्षु बड़े ध्यान से देख रहे थे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था, उस पत्थर को ये समझकर तराशो कि इसके बाद तुम्हारे पास कोई और दूसरा पत्थर नहीं है, और यह एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। फिर उस युवक ने जैसा गुरुदेव ने कहा था उसी एक पत्थर को लेकर तराशना शुरू कर दिया, और उसने उस पत्थर को एक बहुत ही सुंदर मूर्ति का आकार दे दिया। उस मूर्ति को बौद्ध भिक्षु को भेंट करते हुए उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं यह सोच भी नहीं सकता था। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जब तुम्हारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, तब हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं, और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुन भी नहीं पाते और मूर्ति बन भी नहीं पाती। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल कर रख देता है, और एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतू के विचारों में उलझकर रह जाते हैं। फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। भिक्षु ने उस युवक से कहा कि मन को खाली करना, साफ करना एक दो दिन का काम नहीं है, यह बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो। वह युवक कहता है कि जी गुरुदेव मैं तैयार हूँ, चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। यह जवाब सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि सबसे पहले तो तुम यह समझो कि मन हमारा दुश्मन नहीं है, हमें मन से कोई चीज निकालनी नहीं है, यह ख्याल ही निकाल दो कि तुम्हें मन को खाली करना है। तुम जितना ही अपने विचारों को रोकने की कोशिश करोगे, विचार दुगनी ऊर्जा के साथ तुम पर आक्रमण करेंगे। ध्यान रहे, मन एक बच्चे की तरह होता है, अगर हम बच्चे से कोई चीज छुपा कर रखना चाहते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा उसी चीज की जिद करने लगता है, उसी के बारे में सोचने लगता है। इसी प्रकार जो भी विचार हम अपने मन से निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसको निकालने के लिए उस विचार को निकालने की प्रक्रिया के संबंध में सोचना शुरू कर देते हैं, फिर उसको निकालने की प्रक्रिया के संबंध में ही हमारे मन में विचार उठने लगते हैं, और हमारा मन उसी विचार के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और हम जितना ही उस विचार को निकालने के बारे में सोचेंगे, मूलतः हम उसी विचार के बारे में सोच रहे होंगे, और आखिरकार हम पाएंगे कि उस विचार को तो हम निकाल ही नहीं पाए जिसको हम निकालना चाहते थे,
उल्टा हमने उस विचार को अपने मन के अंदर और गहरी जगह दे दी। एक सूत्र हमेशा याद रखो, आने दो और जाने दो। तुम उनके साथ छेड़छाड़ मत करो, उनको निकालने के बारे में मत सोचो, उनको पकड़ने के बारे में मत सोचो। बस यह समझो कि विचार आया है और चला गया। तुम मात्र देखने वाले थे, तुम साक्षी थे, और जब तुम्हारे अंदर साक्षी भाव उत्पन्न होने लगता है तो तुम दृष्टा बन जाते हो, देखने वाले बन जाते हो। और जितना ही तुम अपने विचारों को देखते जाते हो उतने ही तुम्हारे विचार खाली होने लगते हैं। देखते देखते साक्षी भाव में तुम पाओगे कि एक दिन तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन विचारों से बिल्कुल खाली हो चुका है, क्योंकि देखने मात्र से उन विचारों की निरर्थकता हमें पता चलती है। इसके बाद बोध भिक्षु ने कहा कि जब तुम किसी टूटे फूटे रास्ते पर चलते हो तो क्या तुम गड्ढों को भरते हुए चलते हो? नहीं, तुम उन गड्ढों से बचकर सीधे अपनी आँखों को उन रास्तों पर टिकाकर आगे निकलते जाते हो। तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, तुम उस पार उतर जाओगे और रास्ता और वो गड्ढे दोनों पीछे रह जाएंगे। तो उसी प्रकार तुम्हें बस अपने विचारों को देखते हुए चलना है और देखते देखते तुम अपने मन के पार उतर जाओगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी, तुम्हें ध्यान में बैठना होगा और अपने विचारों को साक्षी भाव से देखना होगा। निरंतर देखते रहने से यह तुम्हारी आदत बन जाएगी और फिर तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इस पर अंकित ने कहा कि बनते यह तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो गई, लेकिन कभी कभी मुझे अपने विचार बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं और उन विचारों से मैं तत्क्षण छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो क्या कोई ऐसी विधि है जिसके जरिए हम तत्क्षण अपने विचारों से छुटकारा पा जाएं? इस पर बोध भिक्षु ने कहा कि हमारे विचारों का संबंध हमारी सांसों से होता है। जिस प्रकार हमारी सांस से चलती है उसी प्रकार के विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं। अगर तुम्हें अपने विचारों की श्रृंखला तोड़नी है तो तुम्हें अपनी सांसों की श्रृंखला तोड़नी होगी। जब भी तुम्हें बहुत सारे विचार परेशान करने लगे उस वक्त तुम शारीरिक अभ्यास कर सकते हो, और जितना तुम शारीरिक अभ्यास करोगे उतनी ही तुम्हारी सांसें उखड़ती चली जाएगी, और जितनी तुम्हारी सांसें उखड़ेगी उतनी ही उन सांसों की श्रृंखला टूटती चली जाएगी, और जैसे ही सांसों की श्रृंखला टूटेगी वो विचारों की श्रृंखला भी अपने आप टूट जाएगी। तुम तेजी के साथ दौड़ सकते हो या नाच सकते हो, या फिर बैठे बैठे ही अपनी सांसों को इस प्रकार चलाने की कोशिश कर सकते हो कि उनका कोई क्रम न रह जाए, उनका कोई रिदम न रह जाए। और जब वो रिदम टूट जाएगा तो तुम पाओगे कि तुम्हारे मन में एक शांति और एक आनंद का उदय हो चुका है। मन के विचारों से छुटकारा पाने के लिए सांसारिक आदमी को अपने काम में पूर्णतः अपना मन लगाना होगा, पूर्णतः उस काम में सम्मिलित होना होगा। और जब वह आदमी किसी काम में पूर्णतः सम्मिलित हो जाएगा तो उसको ना तो अतीत के विचार सताएंगे और ना ही भविष्य की कल्पना उसके दिमाग में आएगी। उसका पूरा मन, सारे विचार उस काम पर केंद्रित हो जाएंगे। किसी काम को पूरी तरह से सम्मिलित होकर कैसे किया जाता है, पूरे मन के साथ कैसे किया जाता है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो यह बातें बहुत लंबी हो जाएगी। इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। तो यह कहानी यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको इस कहानी से थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो, मन में थोड़ा सा भी प्रकाश जगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर डालना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें।